लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेंड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल. एक प्लांट के 40 लीव्स की जो लेंथ है वो मिलीमीटर्स में उसको काउंट किया गया, मेजर किया गया और रिकॉर्ड किया गया. देन उससे जो डेटा बना दैट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. इफ द लेंथ ऑफ द लीव इज 118 टू 126, दीज आर देयर आर थ्री सच लीव्स, देन 127 टू 135 5, 136 टू 144 9 एंड सो ऑन. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. आपको हिंट उन्होंने दिया है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस. आपको वैसे भी नहीं भी दिया होगा तो यू शुड नो कि हिस्टोग्राम में देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स, तो डाटा जो है आपको पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा. डाटा कंटिन्यूअस बनाने के लिए यू सी द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल और उसके जो कंसेक्यूटिव इंटरवल क्लास इंटरवल होता है उसका लोअर लिमिट देखते हो, दोनों का डिफरेंस ले लेते हो, डिफरेंस का हाफ करोगे हर लोअर लिमिट में से, हर इंटरवल की लोअर लिमिट में से उसको माइनस कर दोगे और हर इंटरवल की अपर लिमिट में उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, डिफरेंस का हाफ. सो लेट अस मेक द क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस. फोर्थ है ना, 118 to 126. आप अभी ये मत लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ. यहाँ पे 127 to कितने, 135, 136 to 1. अब सबसे पहले कंसेक्यूटिव इंटरवल्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस. 127 और 126 में देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 का हाफ करोगे 0.5, तो लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करोगे, अपर लिमिट्स में 0.5 प्लस करोगे. सो यहां हम लिख लेंगे मेकिंग द इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस. This is representing the length in millimeter. So this is 118 में से 0.5 आप माइनस कर दो. So this is 117.5 यहाँ पे प्लस कर दो. So next will be 126.5 to, very good. Next. So ये हमारा डेटा बन गया कॉन्टिन्यूस. कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसीज. दिस इज 359.12.5. मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 12. 1-1 के गैप पे ही ले लो फिर, ठीक है. यू आर टू फॉर्म अ हिस्टोग्राम. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे वैल्यूज लेंगे हम. यहाँ पे विजिबल है बोर्ड, विजिबल है इधर वालों को भी. एक्स एक्सिस में कितना लेके चलेंगे? पहले किंक लेनी पड़ेगी आपको, देन 117.5 से है ना. ये डिफरेंस चेक करो, इक्वल है 9, ठीक है. दिस इज 10, 126.5. Then 126.5 to 135.5. Then
लास्ट इज 180.5। चलिए यहाँ पे हम 1:1 का ही ले लेते हैं, मैक्सिमम आपका 12 जा रहा है। This is 11 and 12. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये? लेंथ को इन मिलीमीटर्स, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ लीव्स। हाँ जी, फर्स्ट वाला क्या लेके चलें? 117.5 to 126.5, ये वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 9, then 12. Use the scale to draw these bars. 5, then 4, and then 2. एक्सेस स्केल लिख दोगे, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। कितने यूनिट्स हैं? कितने यूनिट्स बन रहे हैं ये? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 9 का। तो दिस इज 9 यूनिट्स। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। मेन जो आपको आप जब इसका ग्राफ बनाओगे ये चीज देखनी है कि दिस डेटा शुड बी कॉन्टिन्यूअस। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। अब क्या क्या पूछा है? ये हो गया ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, हो गया सेकेंड पार्ट। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? इस डेटा को आप और किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ जी, हाउ? हमें ये भी गिवन है ना, हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यू कैन टेक, ठीक है, यू कैन रिप्रेजेंट इट थ्रू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इज इट करेक्ट टू conclude that the maximum number of leaves are 15 millimeter long? Why? Maximum number of leaves are 15 millimeter long. Can we conclude? Kya conclude kar sakte ho? Why you cannot conclude this? Because आपको जो डाटा गिवन है उसमें 1:1 मिलीमीटर के डिफरेंस पे डाटा गिवन था, जो एग्जैक्ट डाटा गिवन था, तो वो जो गैप आ रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ लीव्स आ रहे थे वो हमें नहीं पता, तो इट मींस दैट जो नंबर ऑफ लीव्स हैं दैट हैज बीन स्किप्ड, सो इट वोंट बी करेक्ट टू से दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर मिलीमीटर लॉन्ग। Got it? Next. आपका जो डेटा गिवन है ये एक स्पेसिफिक इंटरवल आपको गिवन है यहाँ पे 144 से 153, जो हमें एग्जैक्ट गिवन था 144 से 153 में हमें ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम गिवन है, बट इट डजंट मीन कि हर एक लीव की जो लेंथ है वो 153 है।
अगर किसी लीव की लेंथ 145 या 147 भी है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल. सो वी कैन नॉट, इट वोंट बी करेक्ट टू से दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैव द लेंथ 153. मे बी इसमें जो डाटा है उसमें कोई लीव ऐसा हो ही ना जिसको 153 लेंथ हमने दी, मतलब जिसकी लेंथ हमने मेजर की हो 153 है. 144 से 152 वाले भी मान लो अगर 12 लीव्स हैं तो वो 153 के इक्वल नहीं होगा. तो एक स्पेसिफिक इंटरवल में एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है. व्हेनेवर यू आर गिवन द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप्ड क्लास, जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर गिवन है, ग्रुप्ड डाटा आपको गिवन है, यू कैन नॉट से फॉर द फ्रीक्वेंसी कि इसमें से मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू उठा लूं. कोई मान लो मैंने 150 उठा लिया, मैं ये नहीं कह सकती कि 150 मिलीमीटर वाली लेंथ वाले जो लीव्स हैं वो मैक्सिमम इन नंबर है. ठीक है, गॉट इट? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ग्रुप का नंबर है आपके पास. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, मान लो आपके स्कूल के बच्चे, हम 50 स्टूडेंट्स लेके गए कहीं पे पार्टिसिपेशन के लिए. अब वहां पे आपके पास 6th to 12th के स्टूडेंट्स हैं. अब वो आप जब उसको कर रहे हो तो ग्रुप आपका आइडेंटिफाई होगा बाय द नेम SSDPS, बट उसमें कौन सी क्लास के कितने बच्चे हैं वो हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कि मान लो ये आपका स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्कूल के हम 50 स्टूडेंट्स ले आए हैं, बट कौन सी क्लास के कितने बच्चे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको इससे नहीं मिल रही है. द सेम वे में कितनी लेंथ के कितने लीव्स हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही. हमें एक जो है कह लो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या मिल रही है जो इनकम्प्लीट काइंड ऑफ है. हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि 144 से 153 लेंथ वाले इतने लीव्स हैं. कितने लीव्स की लेंथ बीच में 144 है, 145 है, या 145.7 है, 148.9 है, ये हमें नहीं पता लग रहा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, लाइफ टाइम इन आवर्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ लैंप्स हमें गिवन है. डाटा आपका कॉन्टिन्यूस है, क्या बनाना है इससे? सो दिस यू विल डू योरसेल्फ. रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. देन हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स? मोर देन 700 आवर्स यानी कि लास्ट के तीनों इंटरवल्स का सम टोटल, फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल कर दोगे. यस, इट विल बी 184. नाउ द नेक्स्ट The following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. Represent the marks of the students of both the sections on the same graph by two frequency polygons. अब ये दो frequency polygons आपने बनाने हैं यहाँ पे. ठीक है, frequency polygon बनाने के लिए we will use histograms. पहले आप histogram से बनाना सीखो कैसे बनाएंगे, then you can make it directly also. अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो यू कैन डायरेक्टली टेक द पॉइंट्स एंड यू कैन ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. डाटा चेक करो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है. कॉन्टिन्यूस. सो फॉर्म द हिस्टोग्राम. डबल है, अब ये ध्यान रखना है. इन द सेम ग्राफ यू आर टू मेक दिस. फर्स्ट जो है हमें गिवन है 0 टू 10 में वी आर हैविंग 3, 10 टू 29 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करो इसकी. मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 17. और दूसरे वाले में 2 का गैप ले लेते हैं फिर. ठीक है, वन में कोई बात नहीं, वो बन जाएगी. वो भी आप 1-1 का लेना चाहो तो दैट ऑल्सो यू कैन टेक. नाउ फॉर द फर्स्ट ग्राफ वी आर हैविंग 0 to 10 पे हमारे पास कितना है 3.
टेन टेन के डिफरेंस पे है ये आपका। हाँ जी कहाँ क्यों वो ज्यादा आपका बन जाएगा, वाइड हो जाएगा ना, दे सकते हो मतलब टू बॉक्सेस, आप कहते हो कि टू बॉक्सेस के बाद हम टेन लिखें, हाँ ले सकते हो, कोई गलत नहीं है वो। अच्छा यहाँ कह रही हो यू कैन टेक ले लो। मेन जो चीज आपने इसमें ध्यान रखनी होती है कि ये आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल उस पे होना चाहिए। जैसे मैंने अगर टू का लिया है तो टू का टेबल चलेगा, ये फाइव का लोगे तो फाइव का टेबल चलेगा। हाँ जी कैसे बनाएंगे, एक के ऊपर एक इंटरवल सेम है ना, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, शेडिंग कर देंगे हाफ की। फर्स्ट में क्या है, पहले पहला वाला ले लें कि इकट्ठे बनाने हैं, एक एक करके बना लेते हैं। चलिए पहले फर्स्ट वाला लेते हैं हम, सेक्शन ए, 0 to 10 is 3, यहां आ जाएगा ये, देन 10 to 20 पे 9, ट्वेंटी टू थर्टी पे 17, 30 to 40, 12, 9, 40 to 50, 9, ओके। अब सेकेंड वाले पे आएंगे, सेक्शन बी, सेक्शन बी में 0 to 10 it's 5, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे। मैं कलर दूसरा ले रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। ये व्हाइट वाला सेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है ये सेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज 3, दिस इज 5, नेक्स्ट 19, इतना ऐसे अगर मतलब वो ग्राफ हिस्टोग्राम आते, बट अभी फिलहाल वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ठीक है। दिस इज 3, ये था हमारा 9, ये है 19, अगला 15, तो ये बन जाएगा। इनके अभी मिड पॉइंट्स लेंगे हम, दिस इज 10, 1. अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स लेने हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स में हम क्या लेते हैं, मिड पॉइंट्स लेके चलते हैं, ठीक है। 0 to 10 ये बड़ा वाला आपका बॉक्स होगा, इसके बीच में मिड पॉइंट जो आपका बनता है वो वहां पे मार्क करोगे दोनों को। अगेन पहले एक को ले लेते हैं, पहले जो मेरे ये व्हाइट वाले हैं इनको ले रही हूं मैं, ये आ गया इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट विल बी दिस, देन दिस एंड दिस। नेक्स्ट वाले उसमें भी आपने लेना है, ठीक है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, अब देखो मार्क्स जो है वो आपके नेगेटिव नहीं हो सकते, तो नेगेटिव साइड पे हम नहीं आएंगे, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। इस वाले का जो है आपने जो नेक्स्ट वाला होता है उसका आपने सेंटर पॉइंट जरूर लेना है, मिड पॉइंट जरूर लेना है। अब इनको ज्वाइन कर दो, मिड पॉइंट्स इनके ज्वाइन कर दो। हाँ जी हाँ फ्री हैंड कर लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉटेड ही करोगे, बिल्कुल
एक दूसरे वाले की जो है डॉटेड लाइन शो कर लेंगे ताकि हमें भी डिफरेंस जो है वो क्लियर पता लगे। फर्स्ट वाला क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड वाले पे चलते हैं जो मैंने ब्लू से किया था ताकि आपको पता लगे कि ये वाला है, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये। नाउ ज्वाइन दीस। आप बेशक स्केल रख के कर लो अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है तो। सो ये ग्राफ बन गया आपका। हाँ जी, मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। लास्ट हमेशा मिड पॉइंट पे होगा, वैसे आगे से भी हम करते हैं बट आगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया तो वी कैन लीव दैट। चलिए, अब क्या पूछा है उसने। ये हो गया रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगंस। फ्रॉम द टू पॉलीगंस कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। व्हाट कैन यू से अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्शंस। आपकी जो इसको ऐसे शो कर देना साइड पे। हमने ये ए का लिया है और ये बी का लिया है। स्केल वगैरह लिख लेना आप सारा, यहां मेंशन करोगे एक्स एंड वाई एक्सिस। विच सेक्शन परफॉर्म्ड बेटर। ए ए कैसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, नाउ एक्सप्लेन। अगर ए कह रहे हो तो ए कैसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, बी कह रहे हो तो बी कैसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। नाइनटीन तक तो दोनों के वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, सेम ही आएंगे। कहाँ? हाँ, सेक्शन बी में 12 के बाद सीधा आपका मतलब वन स्टूडेंट है ऐसा जहां जो 40 से 50 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जो आपका सेक्शन ए है वहां पे ऐसा एक सडन ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी विल से दैट सेक्शन ए परफॉर्म्ड बेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अगेन इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही ड्रॉ करना है, तो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। आपको दो टीम्स ए और बी के रन्स गिवन है, स्कोर्स गिवन है। हाँ जी, हाँ, डाटा पहले कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, वो मैं करवा देती हूँ, वो भी आप बताओगे मुझे। ये कर दो ही रेस, हो गया सबका। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लियर है, मिड पॉइंट्स आपने लेने हैं हिस्टोग्राम्स के जो भी आपके बनेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे हिस्टोग्राम नहीं बना रहे हो ना, तो फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जब आप यहाँ पे ले रहे हो 0 से 10, मतलब आप जो डॉट शो करोगे वो आपको 5 पे शो करना होगा। जो मैंने वैसे ऐसे शो किया था, ये बना हुआ था, तो यहाँ हम ले रहे हैं। बट अगर आप ये चीज बार्स नहीं बना रहे हो तो 0 से 10 के बीच में, मतलब 5 पे आप जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो शो करोगे। जो ये इंटरवल गिवन है उसकी मिड वाली वैल्यू पे, उसके क्लास मार्क पे आप उसको शो करोगे। गॉट इट? 10 से 20 के 15 पे शो करोगे, वट एवर वैल्यू जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू गिवन होगी। इफ यू आर नॉट मेकिंग द बार ग्राफ, बार ग्राफ नहीं, अगर बार्स जो है हिस्टोग्राम की नहीं बना रहे, या आई कैन से कि रेक्टेंगल्स अगर हिस्टोग्राम की नहीं बना रहे हो, तो यू हैव टू टेक द मिड पॉइंट फॉर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑफ द दैट कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। जाइए जी। देन क्वेश्चन नंबर 8, अ रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वॉज फाउंड एज फॉलोज।
अब ये क्या गिवन है, सर्वे किया गया जिसमें नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है डिफरेंट एज ग्रुप्स के उनका नंबर काउंट किया गया. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा. अच्छा पहले मैं वो सर्च करवा रही थी आपको, कॉन्टिन्यूस बनवा रहे थे. 1 to 6 था, 7 to 12 था, अगला 13 to 19 to 24, 25 to 30. कंसेक्यूटिव इंटरवल्स का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है? 1. तो हाफ अपर लिमिट में ऐड करोगे, हाफ लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 0.5 to 6.5, 6.5 to. So you got it, I hope. ठीक है, because all of you are giving the answers, that's very good on your part. So as the bell has gone, so I'm ending the lecture over here. This next question number 8 also you are to do at your home, and 9 also you can do. Yes, both of these are nahi, 9th main karwaungi bhi, because in that you have to adjust the frequency. Question number 8 jo hai, that is your homework part. 9 jo hai, we will do tomorrow in the class. So with this I am ending the meeting. If any doubt is there, you can ask. You can unmute yourself and ask your doubt if any doubt is there.